ये हमारा सस्पेंशन जो है वो खोल के रखा हुआ है। तो इस सस्पेंशन में क्या प्रॉब्लम है, किस लिए इसकी सर्विस की जा रही है, क्या खराब है, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे आपको। तो आप वीडियो पे बने रहिए और लास्ट तक देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर में। तो आज हम जो सस्पेंशन के बारे में बताने वाले हैं वो पहिए को ऊपर नीचे करता है, वही सस्पेंशन होता है जो हाइड्रोलिक ऑयल से प्रेशराइज होता है, और उसी के कारण ये जो सस्पेंशन है वो आगे पीछे नीचे ऊपर होता है। तो इसकी इंस्टॉलिंग करेंगे, इसमें क्या खराब है वही आपको वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने सस्पेंशन रॉड लिया हुआ है, इस सस्पेंशन रॉड का बोरिंग और सील डालने की प्रक्रिया चालू हो गई है। अब हम डालेंगे ओरिंग। तो किस तरीके से हम ओरिंग डालेंगे ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ओरिंग टाइट होने के कारण हम उसे एक प्लास्टिक की पट्टी के जरिए उसे अच्छे तरीके से हम उसे डालने की कोशिश करेंगे और फिर उसे वापस एक एक स्टेप ऊपर डाल देंगे। ओरिंग पड़ गया है, अब हम इसका सील डालने की प्रक्रिया चालू किए हैं। तो अब सील देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से ऐसे अच्छे तरीके से हम इसे सेफ्टी में डाल देंगे। तो जो हम प्लास्टिक की पट्टी लिए हुए हैं उससे हम आसानी तरीके से उसे खींच के और उसे डालना होता है, क्योंकि टाइट बहुत होता है। इसके लिए उसे इसी प्रकार से डाला जाता है ताकि वो डैमेज भी ना हो और उसकी सेफ्टी बनी रहे। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर लगाया जा रहा है ग्रिप में। तो इस ग्रिप में हम अच्छे तरीके से बोरिंग और सील को लगा देंगे। तो अभी फिर जो दो सील और दो ओरिंग जो लग रहा है उसका दूसरा ओरिंग डालने की प्रक्रिया चालू है। तो इस प्रकार से सेफ्टी से फैला के हम दूसरा ओरिंग डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से डाल देंगे। तो ये सील वापस हम उसी के ऊपर लगा देंगे, जैसे कि आपने नीचे साइड में देखा है नीचे हमने वैसे ही लगाया है। उसी प्रकार जो ऊपर की ग्रिप है उसमें हम वापस सेम टू सेम लगा देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसे टेक्निकल वीडियो सबसे जल्दी पहुंचे। और ऐसे क्रेन के बारे में आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर कहें, कमेंट में ज़रूर लिखें, आपको हम उस टाइप की वीडियो लेके आपके पास ज़रूर आएंगे। तो इस प्रकार से ओरिंग सेफ्टी से लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब इसके बाद जो गाइड सील लगने वाला है वो दो प्रकार का लगेगा और दो लगने वाला है, एक पीछे साइड में जो लग गया और दूसरा एक आगे साइड में। तो हम इस प्रकार से गाइड सील लगा करके इसे परमानेंट फिक्स कर देंगे, जिससे हमारा ऑयल जो है वो प्रेशराइज होने के बाद लीकेज ना करे। इसके लिए इतनी सेफ्टी और इतनी, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से लगा देंगे और इसे फिक्स कर देंगे। तो अब हम जो ग्लैनेट है उस ग्लैनेट के बारे में बताएंगे, उस ग्लैनेट को किस प्रकार से इसमें आई सील या ओरिंग या जो भी है वो कैसे डालेंगे, कैसे इसके अंदर के जो ग्रिप है। तो इस प्रकार से हम ओरिंग को अच्छे तरीके से लगा देंगे। तो अब इसके बाद पीएफटी सील जो है वो लगाएंगे सेफ्टी से, ताकि हमारा ओरिंग टूटे नहीं, ख़राब ना हो, और फिर उसे अच्छे तरीके से ओरिंग दूसरे नंबर पे हम लगा देंगे। तो अब फिर से एक और सील लगाएंगे
तो लास्ट हमारे चौथे वाले सेक्शन में गुरु में वापस लगा देंगे, फिर उसके बाद ओरिंग वापस उसके ऊपर, उस सील के ऊपर एक और लगा देंगे। तो इस प्रकार से जो अंदर की सेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरह से अच्छे तरीके से हम अंदर के जो सील और ओरिंग थे वो लगा दिए और वो फाइनल हो चुका है। अभी हम इसके बाहर दो प्रकार के जो हैं वो बचे हुए हैं उनको लगा देंगे। तो बाहर का जो दो ग्रिप कटा हुआ है जो आपको दिख रहा होगा वीडियो में, इस दो ग्रिप में लगा देंगे। तो पहले हम ऊपर ओरिंग लगाएंगे, इस प्रकार से ओरिंग लग के कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हम लगाएंगे, तो अब इसके बाद हम उसमें ग्रीस लगाएंगे अच्छे तरीके से, एकदम 0-0 में लगाएंगे ताकि कहीं भी ग्रीस की गैपिंग ना हो और वो आसानी से बिना स्क्रैच किए ही वो अंदर चला जाए। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमारा जो पिस्टन है वो बराबर सही तरीके से हम उसे ठोक के अंदर बैठा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जुबली क्लैंप यानी कि होस क्लैंप से फुल टाइट कर देंगे और उसे 10 मिनट या 15 मिनट तक छोड़ देंगे, जिससे कि वो पकड़ के साथ उसको कंप्रेसराइज कर देगा, मतलब उसे दबाव के कारण उसे प्रेशर से दबा के रखेगा। तो वो क्या होएगा कि वो आसानी से उसके अंदर घुस जाएगा, यानी कि आसानी से उसके अंदर चला जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं हमारा ये सिलेंडर, बाद इस पे ग्रीस लगा लेंगे और ऑयल लगा लेंगे और उसके बाद स्मूथ अंदर डालने का प्रक्रिया चालू करेंगे। तो इस प्रकार से हम सिलेंडर को उठा लेंगे और उठाने के बाद तो इस चकनट में अब गाइड सील पड़ेगा। जैसे कि गाइड सील जो होता है वो दोनों साइड में होता है चकनट के, जो कि जो पिस्टन होता है उसको रोकने का काम करता है। गाइड सील सिलेंडर रॉड को लेवल करके रखता है और उनके बीच में जो आई सील पड़ने वाला है वो उनके प्रेशर को और उसके ऑयल को रोक के रखता है। तो इसका काम यही होता है। तो चलिए अभी हम आपको गाइड सील लगा के दिखाते हैं। तो गाइड सील लगाएंगे, 0-0 में लगा दिया गया दो गाइड सील के ऊपर। इस चकनट के ऊपर वाइपर सील लगाएंगे, जो वाइपर सील, तो ये वाइपर सील होता है डस्ट साफ करने के लिए। जो पिस्टन रॉड होता है उसे क्लीन करने का काम करता है ये। तो आप देख सकते हैं कि सस्पेंशन सिलेंडर जो है वो हमारा रेडी कंडीशन में है। अब हम इसके चकनट को लगाने का प्रक्रिया चालू करेंगे। इस प्रकार से चकनट को अच्छे तरीके से, ताकि वो डैमेज ना हो, यानी कि उसका सील वगैरह डैमेज ना हो, और फिर उसको अंदर डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फिर इस तरह लगाएंगे। इस प्रकार से इसको फुल टाइट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि चकनट में चार एक पिन होल बनाया गया है, उसी होल के जरिए या छीनी के जरिए, सिजल के जरिए आप टाइट करेंगे, या तो फिर इसके जो सिस्टमेटिक तरीका है उस तरीके से आप इसको टाइट करेंगे। तो जैसे कि इसमें हम एक छोटा सा पिन डालेंगे, हार्ड मेटल का पिन डालेंगे दो, और फिर उसके बाद इसको हम एक पाने के जरिए टाइट करेंगे इस प्रकार से। तो आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं इस तरह से
पिन डालने के बाद हम इसे कंटिन्यू बराबर तरीके से टाइट करेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरह से हार्ड पिन जो होता है वो मुड़ने का कोई चांस नहीं होता है, इसके लिए इस तरीके से इसे टाइट किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और एक लाइक कर दें, जिससे कि आपको ऐसे क्रेन के बारे में या किसी भी मशीनरी के बारे में वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में कह सकते हैं, तो क्रेन के बारे में उसकी वीडियो बना करके हम आप तक सबसे जल्दी लाने का कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा सस्पेंशन था वो पूरा फुल फाइनल हो चुका है और हम इसको फाइनल कर चुके हैं। तो अब इसके बाद बूट लगाएंगे। बूट बोले तो एक रबड़ का स्प्रिंग होता है जो ऑयल वगैरह को या फिर उसके जो पिस्टन है उसको, मतलब उस पर रस्ट नहीं जाने देगा, कचरा नहीं जाने देगा वो, और वो हमेशा क्लीन रहेगा। इसके लिए ये बूट लगाया जाता है। तो ये बूट लग चुका है। अब इसके बाद इसमें होस क्लैंप यानी कि जुबली क्लैंप बोलते हैं इसे, वो दोनों साइड में इस प्रकार से लगा करके और टाइट करेंगे ऊपर और नीचे लगा के टाइट कर देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा सस्पेंशन का काम पूरा हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि वीडियो में पूरा हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो तक धन्यवाद।